और जो बात है जो क्या कहें इनके साथ, हेसनिंग डेमोग्राफिक इन्वेजन, सबसे बड़ा खतरा आज भारत को बाहर के युद्ध से ज्यादा है अंदरूनी डेमोग्राफिक इन्वेजन का। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जब आप दहाड़ के कहते थे इनको निकालेंगे, निकालना तो क्या उनकी संख्या बढ़ी है, आपने उनको राशन कार्ड बनने दिए, उनको घर दे दिए, उनको सारी सुविधाएं हैं, फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन रोहिंग्या बच्चे भी ले रहे हैं, और सब सुख सुविधाएं आप दे रहे हैं, कौन वापस जाएगा? और जो उनके बच्चे यहाँ पैदा होंगे उनको सिटीजनशिप देना तो आपका फर्ज ही बनता है। तो हर चारों ओर से आप लाए जा रहे हैं और आपके हिंदू यहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। दो किस्म का हिंदुओं का पलायन है, जो पढ़ लिख जाता है। दिल्ली में बकरवाला में फ्लैट दिया और बड़े गर्व से कहा हमने फ्लैट दिए हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला सारा फ्लैट दिया। गाजियाबाद में इनके विधायक ने कहा कि 70% फ्लैट रोहिंग्या बांग्लादेशी को दिया गया है, इन्हीं के विधायक ने कहा है। जम्मू कश्मीर में 40,000 रोहिंग्या बसे हुए हैं, वहां का जो जम्मू कश्मीर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हिंदुओं को नौकरी हटा के दलितों को, रोहिंग्याओं को नौकरी पे रखा गया है, वहां ये पोजीशन है। दुनिया की पहली रोहिंग्या लड़की ग्रेजुएट भारत से निकली है। पूरे जो यूपीए है 2005 से 2013 तक करीब करीब 80,000 घुसपैठियों को उसने बाहर निकाला है यूपीए शासन में, मनमोहन सिंह जिसको हम लोग गुंगा कहते थे, और 14 से अभी तक इनका रिकॉर्ड 2,500 है। और ये नारा पीट कर आए थे, 2,500 गए और 2,50,000 आ गए होंगे, नहीं? हाँ वही इनका नारा वही है। बांग्लादेशी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो रोहिंग्याओं को नहीं रख रही है, ये यहाँ घर बसा रहे हैं उसके। दूसरा, एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ जो हिंदू रेफ्यूजी आए हैं, संदीप भैया उनके रेफ्यूजी कैंप में जाके देखो, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के रेफ्यूजी, शर्मसार हो जाता है। लानत लगती है भारत सरकार और मोदी सरकार पर। मैंने तो रिपोर्ट भी दी थी अर्बन मिनिस्ट्री को किसी जमाने में, ये देखिए ये हाल है, दिस इज वेरी बैड पब्लिसिटी फॉर इंडिया एंड फॉर मोदी गवर्नमेंट। कुछ नहीं, उनको उनको स्लम से भी बदतर हालत में कोई रह रहा है तो वो हिंदू रेफ्यूजी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं। और उसके ठीक बगल में ये मजनू का टीला में, मैं तो रिपोर्टिंग किया हूँ, बांग्लादेशी ठहर रहे हैं, वहां बिजली है पानी है, और हिंदुओं के पास में बिजली है ना पानी। और हाईकोर्ट में कहा मोदी सरकार ने कि हम ये लाइबिलिटीज नहीं रख सकते जी, हाईकोर्ट में कहा है। और कितनों को वापस जाना पड़ा क्योंकि यहाँ वो काम भी नहीं कर सकते, कोई उनको काम भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं रखेगा अगर सिटीजनशिप राइट ने दिए। वो सीए आपने क्यों इतना बवाल मचवाया अगर करना नहीं था? एक तो ये इसराइल की तरह तो आपने ये नहीं कहा ना कि कहीं भी परसिक्यूटेड हिंदू आ सकता है, क्योंकि हर जगह आज अमेरिका में भी हमारे जो हाईटेक जॉब्स में है हिंदुओं को वहाँ अब इतने खतरे में डाल दिया है, वहां पे भी घेर लिया इस्लामियों ने, और कास्ट को लेकर ये वो को लेकर उनको भी हो सकता है शरण लेनी पड़े किसी दिन, जैसे युगांडा से आना पड़ा था। तो आप ये तो कहने की हिम्मत नहीं कर सके कि हिंदू कहीं से भी आ जाए, आपने ये जरूर कह दिया क्रिश्चियंस को भी देंगे, पारसी उन्होंने मांगा क्रिश्चियंस के पास दर्जनों देश हैं जाने को। आप 35,000 हिंदुओं को उनके नाम पर देने की हिम्मत नहीं हुई, साथ में क्रिश्चियन जोड़ा, साथ में पारसी जोड़ा जिन्होंने मांगा भी नहीं था, तो और उनकी हालत वो है कि रोना आता है और मतलब माथा पीटता है इंसान कि कर क्या रहे हैं ये सरकार। फिर कश्मीर पर आप खुद ही देख रहे हैं डेमोग्राफिक इन्वेजन सबसे ज्यादा तो खतरा है ही हमारे हिमालयन रेंजेस पे कश्मीर में, और कथुआ कांड जिस पे मैंने पूरी किताब लिख डाली वो एक डेमोग्राफिक इन्वेजन का जम्मू प्रोविंस की एक हथियार था, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में 8 में से 5 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर के तर्ज पर बन चुके हैं, वहां टारगेटेड किलिंग हिंदुओं की हो रही है,
हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है। तीन बेचारे बचे थे, कथुआ, उधमपुर और सांबा। वहां भी आपने ये कथुआ कांड करके बिल्कुल निर्दोष हिंदुओं को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। महबूबा मुफ्ती, जो कि पाकिस्तान के इशारे पे ये सारा कांड किए और खुद मरवाई है, मेरी बुक में मैं सिद्ध करती हूँ कि खुद मरवाई है, उसके पेरेंट्स की मिली भगत से उस लड़की को मारा गया, और आपने मासूम हिंदुओं को जेल में केवल भर्ती नहीं किया पर आपने कहा ये मंदिरों में, और महबूबा के साथ इनकी सरकार चल रही थी, मिली जुली सरकार, बिल्कुल। और उस वक्त जम्मू के हिंदुओं ने केवल एक मांग की थी, वहां का बार एसोसिएशन, 50,000 की डेमोन्स्ट्रेशन हुई, लाल सिंह जो इनका ही मिनिस्टर था उसने लीड की केवल एक मांग के साथ, सीबीआई की इंक्वायरी करवा लो, ये झूठा केस है, हिंदुओं को कथुआ डिस्ट्रिक्ट में हिंदू विहीन करना है, इस डिस्ट्रिक्ट को यहां से निकालना है, इसलिए रेड हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे बच्चे अरेस्ट किए जा रहे हैं इस बच्ची की हत्या का नाम लेकर, जो मैं कहती हूँ दावे के साथ महबूबा मुफ्ती की देख रेख में वो लड़की को मरवाया गया, उसकी नकली परिवार की मिली भगत से, उसके असली पेरेंट्स भी नहीं थे, और उसके तहत वहां से पलायन कथुआ डिस्ट्रिक्ट से भी शुरू हो गया जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और आप जो बात कहते रोहिंग्या की, 40,000 से ज्यादा ही होंगे, सबसे बड़ी बात है जम्मू प्रोविंस में आर्मी बेसिस के आसपास सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी बस्तियां हैं, वहां से रिपीटेड टेरर अटैक्स हुए हैं, आर्मी ने दर्जनों बार हाथ जोड़े हैं कि कृपया हमें तो सेफ रहने दीजिए, अगर हमने देश को सुरक्षित रखना है, एक भी वहां से बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं हटाया गया, उन्होंने घेर रखा है आर्मी बेसिस को भी। और जम्मू जो कि मंदिरों का शहर होता था आज मस्जिदों का शहर बन चुका है। सो डेमोग्राफिक इन्वेजन दिल्ली में आप देख रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं बहुत से ऐसे एरियाज में जहां मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, देश भर में मेवात में हमने देख लिया, और कश्मीर में 370 हटा दिया 35 से, आप भी मैं भी बहुत खुश हुए थे, पर उसको यू टर्न कितने हैं, नंबर वन कश्मीर वैली को, ठीक है वहां पत्थर नहीं चलते, क्यों, क्योंकि आपने अरब देशों का कैपिटल वहां लिया है, वहां लुलु मॉल इन्वेस्टमेंट्स कहां से आ रहे हैं, इस्लामी देशों से, क्यों, यहां का कोई नहीं जाने को वहां राजी, या जाने के लिए माहौल नहीं आपने बनाया, तो आप उस वैली को एक्सटेंशन बना रहे हैं इस्लामिक उम्मा का, ताकि वो जुड़ाव उससे महसूस करे। तो ना तो कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनी, ना एक पंडित वापस अपना घर जा सका, बल्कि जो 1,500, 2,000, 2,500 बेचारे गए थे छोटी मोटी नौकरियों के लालच में, जो मनमोहन सिंह सरकार ने उनके लिए अरेंज की थी छोटी सी पंडित एनक्लेव, वहां से भी निकल के आए क्योंकि टारगेटिंग किलिंग्स हो रही हैं, और कश्मीर को पेरिस बनाना है, अबू धाबी बनाना है, दुबई बनाना है, श्रीनगर, जम्मू बनाई, और यहां से टूरिज्म इतना प्रमोट करना है, यानी भारत का पैसा जाके हम लुटा के आए उनपे। अभी इन्होंने कहा, जब रिलायंस ने अपने बेटे के अंबानी ने शादी में बहुत खर्चा किया तो इन्होंने एक टोंट मारा कि यहाँ अनाप शनाप शादी का खर्चा है, आप जो है डेस्टिनेशन वेडिंग जो है कश्मीर घाटी में करिए, कश्मीर घाटी में पैसा आएगा, रोजगार आएगा, हिंदू अपनी बेटियों को बेटा का विवाह जाके कश्मीर में करे, घाटी में करे, उनका पेट पालने के लिए, ये था भाषण दिया इन्होंने, बताइए। अच्छा वो मजदूरी करने कोई जाता है हिंदू तो उसको मारते हैं, टारगेटेड किलिंग आज भी कर रहे हैं, टूरिस्ट आओ क्योंकि पैसे लुटाने के लिए जाते हैं टूरिस्ट, टूरिस्ट को नहीं गोली मारते, बहुत स्मार्ट है, पैसा चाहिए भारत का, और मोदी जी उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जम्मू को ग्लैमराइज नहीं किया, जम्मू में इतने सुंदर हिल स्टेशन हैं, इतने सुंदर एरियाज हैं जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर घाटी से सुंदर है, कम नहीं है,
परंतु कोई प्रमोशन नहीं है वहां की, है तो केवल वैली की, और लुटा रहे हैं। और हालत देखिए, ये मुझे बताइए संदीप जी, इन्होंने एनसी के नेताओं को, पीडीपी के नेताओं को जेल में रखा, बंद रखा, हाउस अरेस्ट किया, क्योंकि उनको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क माना। अब वही वापस आ गए चुनाव लड़ने, और बीजेपी की हिम्मत नहीं कि तीन कैंडिडेट एमपी चुनाव के वैली से खड़ा करते। मतलब ये शांति की कह रहे हैं कि हमने शांति स्थापित की, तो हिम्मत है तो कश्मीर वैली में अपने केंद्र में हो, वहां शासन है, भाजपा ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा किए, नहीं, इतना आंख में मिर्ची झोंक रहे हैं जनता की। तो अगर वो लोग आ रहे हैं जो खुल के कहते हैं कि हम 370 को बहाल करेंगे, खुल के कह रहे हैं, जिसको आपने पद्म विभूषण दे दिया, जिसके लिए आप रोए पार्लियामेंट में, गुलाम नबी आजाद, वो खुल के कह रहा है कि मैं रिस्टोर करूंगा, ऐसे लोगों को आप कचरा लोगों को कर रहे हैं वहां एक तरफ प्रमोट। दूसरी तरफ मणिपुर में जो बेरहमी से हिंदू स्त्रियों के साथ हो रहा है, हिंदू सारा समुदाय जो मैथी समाज है, चर्च बेस्ड इंसर्जेंट्स, चाइना बैक्ड इंसर्जेंट्स जो उनके साथ कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला, ना आप वहां गए, ना आपको दुख हुआ, ना आप उनका दुख निवारण करने में इंटरेस्ट है। ये कश्मीर पे लुटाए जा रहे हैं और मणिपुर के हिंदुओं को बिल्कुल डेसिमेट करने के कगार पे आपने खड़ा कर दिया है।